एक-एक भाजपा कार्यकर्ता ये पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूखा न रहे, उसके पास पर्याप्त भोजन हो। साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने। और मैं ये भी बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी। इससे बचने के लिए हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 साल अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। साथियों, इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहे सभी लोगों का आभार करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना, उनको मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ हमारा ही दायित्व है, ऐसा नहीं है। समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5ों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। और ये धन्यवाद पत्र लेकर के हमें सामूहिक रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बूथ में करना चाहिए। पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सेस और डॉक्टर हो, दूसरा सफाई कर्मचारी, तीसरा पुलिसकर्मी, चौथा बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोग, पांचवा आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजिम। हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है। इसके लिए आप अपने अपने बूथ में, और जब पार्टी के 40वां स्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बूथ में 40 घर इन 5 अलग अलग प्रस्तावों पर सिग्नेचर करें और 5 अलग अलग सेट में धन्यवाद पत्र तैयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पोलिंग बूथ में जो जो संबंधित हो उन तक रूबरू जाकर के दिया जाए। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम मैं आपसे आग्रहपूर्वक करना चाहूँगा। ये लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार्य है। हम जितना सफलतापूर्वक इस काम को करेंगे, हम आने वाले दिनों में संक्रमण की स्थिति में काबू पा पाएंगे। और वो है, भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं। अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको ये पता चलेगा। और इसलिए संकट की स्थिति में हमें
ये आरोग्य सेतु ऐप हर एक के यहाँ इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है। एक और काम है, इतनी बड़ी लड़ाई है, आर्थिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने दे देती हैं, सोना दे देती हैं, गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए बाहर आ जाता है। यह हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है, ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, हम तो चरैवेति चरैवेति के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग हैं, हमने उस पर जी करके देखा है। आज पाबंदी के कारण चरैवेति चरैवेति को हमने सीमित करना पड़ेगा, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास दुखियारों के बीच जाना, उनके आंसू पहुंचना, उनको मदद करना। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ घर में भी होना चाहिए। और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं की सुरक्षा करते हुए अपने साथी देशवासियों की भी सुरक्षित बनाएगा, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा और ये राष्ट्र भी हमारा परिवार है, उनको भी सुरक्षित करेगा। इसी एक भाव को लेकर के हमें चलना है, देश को विजयी बनाना है। और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले लक्षावधि कार्यकर्ताओं को, लक्षावधि परिवारों को, उनकी त्याग तपस्या को आदरपूर्वक नमन करते हुए आइए, आपको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।